धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा सासंग जी, इंसान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। सासंग जी, जैसा आपको पता है कि दुनिया में कोई भी कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उसके आलोचक जरूर होते हैं। लोग भगवान को भी गलत बोलते देखे हैं। सासंग जी, आपको तो पता ही है कि डेरा सच्चा सौदा के पूज्य पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने कितने समाज भलाई के कार्य किए हैं और लगातार कर रहे हैं, तो आलोचक तो उनके भी मौजूद हैं। लेकिन ऐसे में डेरे की निंदा करने वाले लोग भी डेरा सच्चा सौदा की सासंग की एक बात जरूर मानते हैं, वो बात यह है कि इन पर कितने गंभीर इल्जाम लगते रहे हैं। मीडिया ने भी इनके खिलाफ लोगों को कितना झूठ बोल बोल कर गुमराह किया है, कितनी मुसीबतें इन पर आई हैं, लेकिन इन्होंने अपने गुरु को क्यों नहीं छोड़ा, इस विश्वास के पीछे क्या राज है? तो सासंग जी, आपको बता दें कि यह बात हम अपने पास से नहीं बोल रहे। पूजा पिता जी से ऑनलाइन सत्संग में किसी ने यह सवाल ही पूछ लिया था, तो पूजा पिता जी ने ऑनलाइन चल रहे सत्संग में इसका जवाब दिया था। पूजा पिता जी ने फरमाया था कि बेटा, हम अपने बच्चों के सामने कुछ पर्दा रखते ही नहीं, सारे बच्चों के सामने खुली किताब है और उनको पता है अपने पीर फकीर का, और हमें पता है अपने बच्चों का जो दिल से जुड़े हैं और ये समाज का भला करते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि आकर हमारे हाथ पांव दबाते हैं, जी नहीं, ये सेवा करते हैं समाज की, सर्व धर्म की और सबकी इज्जत करते हैं, कोई गाली भी दे तो भी, इसलिए एक भी बच्चा टस से मस नहीं हुआ। तो सासंग जी, यह जवाब देकर पूजा पिता जी ने डेरा सच्चा सौदा के निंदकों के भी कान खोल दिए, क्योंकि यह सत्संग ऑनलाइन चल रहा था तो सभी लोग सत्संग सुन रहे थे। तो सासंग जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे एक लाइक कर सकते हैं। अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।